सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव से कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात। 5 लोगों को ही मिलने की दी गई अनुमति। विधायक देवेंद्र से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का बयान। सभी विधायक देवेंद्र यादव से मिलने आए थे, लेकिन 5 लोगों को ही मिलने की अनुमति दी गई। हमारे विधायकों को नहीं जाने दिया गया। हम लोग देवेंद्र से मिलकर आए हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। वह बाहर के लोग और अपने परिवार के लोगों के लिए चिंतित हैं। हम लोगों ने उन्हें सलाह दी है कि न्यायिक मामले को न्याय के तरीके से निपटे। हम लोग प्रयास करेंगे कि वह जल्दी बाहर आ जाएं। विधायक दल हर जिले में धरना प्रदर्शन करेगा। आने वाले समय में हम इस मसले को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, देवेंद्र यादव ने यही बताया है कि गिरफ्तार किया गया तो उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। किस अपराध में गिरफ्तार किया गया यह भी नहीं बताया गया। उन्हें जितनी नोटिस मिली 160 की नोटिस मिली थी, जो गवाही की नोटिस होती है। गवाही लेना है यह बताकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई। विधायक को धोखा देकर गिरफ्तार इस सरकार ने किया है। देवेंद्र यादव ने यही बताया है कि उनके जब गिरफ्तार किया गया तो एफआईआर की कॉपी नहीं दिया गया। किस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया नहीं बताया। उन्हें जितने नोटिस मिली 160 की नोटिस मिली थी, जो गवाही की नोटिस होती है। गवाही लेना है ये बताकर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से विधायक को धोखा देकर गिरफ्तार इस सरकार ने किया है। मुलाकात हुई है सर, हम लोग बैठक के पश्चात जो निर्णय लिए थे उस आधार पर सभी विधायक यहाँ मिलने के लिए आए थे, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 से ज़्यादा लोगों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ 5 लोगों को अनुमति दी गई, जिसमें हम 5 लोग, मैं, चरणदास महंत, भाई भूपेश जी, रविन्द्र चौबे जी, उमेश पटेल जी और हमारे राठिया जी, लाल जी थे, इन 5 को अनुमति दी गई। विधायिका साथी विधायकगण, जो विशेष करके महिलाएं थीं, उनको चिंता थी कि देवेंद्र को देखें, मगर उनको नहीं जाने दिया। हमारे अनेक विधायक यहाँ प्रयास करते रहे, उन्हें भी नहीं जाने दिया गया। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि 5-5 करके सबको मिला दो, उन्हें भी नहीं जाने दिया गया। इस तरह से यहाँ भी साय जी का प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, मगर हम लोग देवेंद्र से मिल के आ रहे हैं। फिलहाल उसके ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। वो चिंतित जरूर है बाहर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए, और हम लोगों ने सलाह दिया है कि वो न्यायिक जो मामले हैं उसको न्याय के तरीके से निपटें, और यहाँ जल्दी से जल्दी हम लोग बाहर प्रयास करेंगे कि वो बाहर आ जाए। कांग्रेस विधायक दल क्या करेगा? कांग्रेस विधायक दल हर जिले में प्रयास करेगा कि इस अन्याय के खिलाफ धरना हो, प्रदर्शन हो, और उसको हम लोग करेगा। और आने वाले दिनों में राज्यपाल जी से भी जाके हम लोग निवेदन करेंगे। University offers high quality education to students. The flourishing 70-acre campus, more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be